guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, we are back again with another video. So आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रैवल, जो कि आज की जो हमारी जर्नी रहेगी वो उधमपुर वाली साइड की रहेगी। जैसे कि आपको पता है उधमपुर में टिकरी के पास एक ट्रैकिंग एरिया है जिसका नाम है जंगल गली। सो और साथ में वहाँ पे जो है खाने पीने कुछ ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे जहाँ पे ट्रैकिंग एरिया है। सो हमें हमें थोड़ा पीछे से ही कैरी करना पड़ेगा। हम लोकेशन बता देंगे आपको, जहाँ से आपको सामान ले सकते हैं। जम्मू का फेमस व्यू पॉइंट पे अभी हम पहुँच गए हैं, जहाँ पे हर कोई आता है यहाँ पे वीडियो वगैरह क्रिएट करने के लिए या कोई फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो व्यू है, नीचे जो गांव है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, एरियल व्यू जिसको हम कह सकते हैं। सो फर्स्ट व्यू पॉइंट जो हमारा जम्मू का था लोकल वाला, वो तो हम देख चुके हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत फोटोज़ वगैरह जो क्लिक करने थे हमने कर लिए हैं। सो ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना वेस्ट करते हुए हम फटाफट से निकलते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से जो कटरा का रास्ता है वो यहाँ से जाता है। अगर कभी भी आपको वैष्णो देवी विजिट करना हो तो इस रास्ते से आप टर्न ले सकते हैं लेफ्ट साइड। और उधमपुर का रास्ता आ गया है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। उधमपुर 38 किलोमीटर, श्रीनगर 220 और ले जो है 677। फ़िलहाल तो अगर स्कूटी की बात करूं अपनी, हमारी जो राइड है आज की फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, कोई भी पावर लैग इसमें जो है नहीं आ रहा अभी के लिए। तो फिर भी बीच बीच में हम इसको जो है थोड़ी थोड़ी रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी फ़र्स्ट सर्विस तो हुई नहीं है। फिर भी कुछ किलोमीटर्स के बाद, 5-10 किलोमीटर्स के बाद हम इसको बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दे रहे हैं रुक के, ताकि इन फ्यूचर इसके जो इंजन पार्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो देखते हैं आगे कैसा रहता है। लेट्स गो। Look at the view, man. Look at the view. Look at the view. So beautiful, so beautiful. Scenic view है पूरा, scenic. इंसान जो है वो पेड़ काट के अपने घर बनाता जा रहा है, बट जो रियलिटी में जो लाइफ है वो यहीं पे है, पेड़ों के बीच में। फ्रेश एयर आपको जो है नहीं मिलेगी कहीं भी। अगर ह्यूमन बींग्स ऐसे ही काटते रहे पेड़ तो मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर रहने के लिए कोई हमारे पास जगह बचेगी जहाँ पे हम ताज़ी हवा में सांस ले सकें। सो जितने हो सके आप पेड़ जो है लगाइए अपने घर पे। हर एक ओकेजन पे है, हम केक कटिंग वगैरह कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों ना आज से हम ये प्रण कर लें, एक मतलब क्वेट बना लें कि प्लांटेशन करनी भी ज़रूरी है। जब भी आपको कोई बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है, एक प्लांट ला के जो आप घर पे लगा दें, या कुछ जो मतलब पब्लिक प्लेसेस होती हैं या पार्क्स होते हैं वहाँ पर आके आप लगा लें। तो एक पेड़ की कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा मतलब हमारे इस लैंड को, इस अर्थ को बना सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ। वाली साइड टर्न नहीं लेना अगर आप जंगल गली जाना चाहते हैं तो। मंदिर के बाद एक जो टर्न आता है लेफ्ट साइड, जहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे मेन रोड भी शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ से आपने लेफ्ट साइड ले लेना अंदर की तरफ। आगे जाके आपको ये एक मोड़ आएगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये शॉप्स आ रही है, यहाँ पे इसका नाम है बांसा मोड़। बांसा मोड़ नाम है ना, बांसा मोड़ नाम है। यहीं से आपने जो है ये रोड उसके साथ ये लिंक हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से आप अगर आ रहे हैं तो आपको जो है इधर ऊपर वाली साइड आ जाना है। ये आप देख सकते हैं ये रोड जो है डिवाइड हो रही है, यहाँ से ऊपर की साइड आ जाना है आपको अगर आप जंगल गली की तरफ जाना चाहते हैं। गरम हो रहा है इधर चिकन, तेल गरम हो रहा है। यहीं से आपको चिकन भी मिल जाएगा, और अगर आप बनवाना चाहते हैं यहाँ से बनवा भी सकते हैं आप। हाँ, बना के भी देते हैं। अगर आप यहाँ से चिकन लेना है आपको वो मिल जाएगा, और आप ऊपर जाके खुद बनाना चाहते हैं, आपके पास है फैसिलिटी तो आप ऊपर जाके खुद भी बना सकते हैं। हम तो फिलहाल कुछ लाए नहीं थे, है ना, जिसपे हम बना सकें। फिर भी फ्यूचर हम देखेंगे कैंपिंग वगैरह करने के लिए, हम जो धीरे धीरे सामान लेते हैं। सो बाकी बातें हम आगे जाके करते हैं। फिलहाल चिकन बन रहा है, आप देखिए चिकन का पूरा प्रोसीजर। काफ़ी फेमस चिकन है यहाँ का। जब तक हमारा चिकन बनता, आप देख सकते हैं सामने शॉप है, ये नीचे से। अब आप जम्मू से आते हैं तो ये एक शॉप मिलेगी आपको, यहाँ से ये भैया आपको देखने को मिलेंगे। सो काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पे। ये जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है यहाँ पे अकेली ही शॉप है ये चिकन की, जहाँ पे चिकन आपको मिल जाता है, काट के भी दे देते हैं। अगर आप यहीं से बनवा के लेना चाहते हैं तो बना के भी दे देते हैं। सो जब तक हमारा चिकन बनता तब तक हम थोड़ा आस पास का एरिया जो है एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे राइडर्स जो हैं हमारे अभी वहीं पे जा रहे हैं जंगल गली की तरफ। हो सका तो ऊपर जाके इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, ऊपर जाके डेफिनेटली वी विल टॉक टू देम। सो बेसिकली अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो ये वरुण का जो है नानके ही रहते हैं यहाँ पे, जो नानी रहते हैं ना, नानी मामू, जो पूरी फैमिली होती है मदर साइड की, यहाँ पे रहते हैं। सो जितना हमें लोकल से पता चल सकता है एरिया के बारे में, उतना हमें किसी और से नहीं पता चल सकता। और तभी मैंने डिसाइड किया कि जो है वरुण को अपने साथ ही लाया जाए तो और इस एरिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। सो जहाँ तक वरुण मेरे को दिख रहा है यहाँ पे नीचे एक स्कूल भी है। ये कौन सा स्कूल है यहाँ पे आप? ये एक फर्स्ट टू फिफ्थ है, और जो ऊपर देखिएगा आपको गवर्नमेंट स्कूल ही लग रहा है मेरा। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, और जो ऊपर दिख रहा है वो 6 to 12 है। अच्छा, ऊपर 6 to 12 है। ये मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का मतलब स्कूल दोनों का ही स्कूल है या सिंगल? दोनों का है। अच्छा, दोनों का ही है, कंबाइन है मतलब। ठीक है, अच्छी बात है। तो आगे इसी रोड से आप जाओगे तो आगे आपको एक मंदिर दिखेगा। कहाँ पे? प्राचीन मंदिर है। अच्छा, इसी रोड से आपको जाना पड़ेगा आगे, तो आगे तालाब आएगा, तालाब के साथ मंदिर है। ठीक है गाइस, वरुण का कहने का मतलब है जैसे कि हम अगर सामने से आते हैं, अगर इस रोड से आप ऊपर आ जाते हैं तो जंगल गली पड़ती है। अगर इसी रोड से आप नीचे चले जाएं, ये जो रोड नीचे जा रही है आप देख सकते हैं, ये स्कूल की तरफ जाती है। और यहीं से वरुण कह रहा है कि आगे एक प्राचीन मंदिर भी है, जो काफ़ी अच्छी प्लेस है, जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। किस मतलब कौन सा मंदिर है नीचे? नरसिंह भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो आप अगर कभी आए तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो हमें भी अगर टाइम मिला तो हम डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे। अगर आज नहीं जा पाए तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आते हैं तो हम डेफिनेटली वहाँ पे एक बार जाएंगे, है ना? बिल्कुल 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 भाई। सो चलते हैं वापस अपनी शॉप की तरफ। मैं देखना चाहूँगा स्कूटी में से, जब मैं ड्राइव कर रहा था तो कुछ आवाज़ आ रही थी मेरे को यहाँ से, जैसे मैं मतलब चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ या फिर चढ़ाई से नीचे उतर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मैं एक्सलेशन अपनी छोड़ रहा हूँ, जैसे कट कट की आवाज़ आ रही है। अब आई डोंट नो कि इसकी ब्रेक्स लग रही हैं, साथ में ब्रेक्स भी कैसे लग सकती हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। अगर डिस्क होती तो मैं कह भी सकता था कि डिस्क लग रही है, बट पता नहीं अब ये शॉकर की आवाज़ है कि किस चीज़ की आवाज़ है, आई डोंट नो। वी विल रेक्टिफाई इट ऑन माई फर्स्ट सर्विस। और जब भी मैं वापस जम्मू में जाता हूँ डेफिनेटली मैं एक बार शोरूम में विज़िट करूँगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, छोटी प्रॉब्लम ना फ़िलहाल तो। सो चलते हैं हम अंदर, एक बार भैया से ही बात करने की कोशिश करेंगे। हम पूछते हैं भैया से कि क्या क्या नाम है उनका और कब से उनकी शॉप चल रही है। सो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे शॉप खुले हुए? 4 साल। 4 साल। वैसे हम नीचे से आया तो हमें कोई और दिखा नहीं है ना, कोई चिकन शॉप तो दिखी नहीं है। एक ही चिकन शॉप है ना, ऐसे मुफ्त में नहीं है, दो हो रही है उनका काम करना मुफ्त वाले। मेरे बात यहाँ जितने भी राइडर वगैरह जाते हैं वो तो डेफिनेटली आप लेते होंगे ना, जितने भी जैसे बाइक वाले जाते हैं यहाँ से वो लेते ही होंगे। नहीं, बाइक वाला को पता है जम्मू के ना। अच्छा, मुफ्त से खा लेते होंगे यहाँ से। हम देते हैं डॉक्टर ला जाने जाते उसके साथ दे देते हैं, वो 100 रुपये की प्लेट देते हैं। 100 रुपये की प्लेट? हाँ, 6-7 प्लेट डाल देते हैं आप प्लेट के हिसाब से। अगर किसी ने मतलब मुर्गा ही खाना हो, पूरा मुर्गा पूरा बना के 120 लेते हैं बनाने का। 120 1 किलो के हिसाब से? हाँ, दो उल्ले बना देते हैं ना, 2 किलो 1.5 किलो। हमारी सवारी निकल चुकी है, चिकन के बाद पैकिंग वैकिंग करवा ली है हमने। सो चलते हैं अब आगे की तरफ। सो जंगल गली का जो रास्ता है यहाँ से शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मज़ेदार रास्ता है। यहाँ पे जो आप ग्रीनरी देख सकते हैं आसपास, एक्चुअली जंगल गली का नाम जंगल गली इसलिए पड़ा क्योंकि जंगलों के बीचों बीच जो रास्ता बनाया गया है और इसी के आस पास जो है गाँव बसते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं ड्यूरिंग समर्स, विंटर्स, मतलब हर एक सीज़न में जो है लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो होता है, सो आप यहाँ पे जो है आ सकते हैं कभी भी गर्मी। वाव वाव, सीरियसली वाव, ये नेचर देखिए, एक ही वर्ड निकल रहा है मुँह से, वाव। यहाँ पहले क्यों नहीं है? व्यू देखिए कैसा व्यू है। वहाँ से पानी की नदी चल रही है, वो देख रही है आपको, दो साइड से ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा है। यहाँ पे नेचुरल वाटर आता है, ये पानी आप जो है काफ़ी सारे मिनरल्स भी होते हैं इसमें, यह पानी आप पी सकते हैं। पूरा नीचे तक पानी वहाँ तक आगे तक जाता है। यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे अपने फोटोज़ भी लेंगे। यहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम है इंस्टाग्राम पे भी हमारा, द ट्रैवलिंग गाय। सो वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं जो माउंटेन्स हैं कितने ऊपर तक हैं। अभी हमें यहीं से चल के पूरा ऊपर तक ऐसे घूम के ऊपर तक जाना है, तो ऊपर जाके हम आपको व्यू दिखाते हैं बाकी का। बाकी हम थोड़ी फ़ोटोशूट यहाँ पर कर लेते हैं अपना, और जो फ़ोटोज़ होंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिलेंगी। सो वहाँ हमें फॉलो ज़रूर करना, और वहाँ पे हम हमारा जो भी रील्स वगैरह वहाँ पे हम डालते रहते हैं, सो चेकआउट करना वहाँ पे। स्टे ट्यून्ड। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी स्कूटी की हालत, बिल्कुल यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा मडी एरिया स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये लैंड स्लाइडिंग वाला एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड स्लाइड भी यहाँ पे हुई है। सो चलिए देखते हैं आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा कैसे का एरिया। जैसे कि दिस इज आवर फर्स्ट टाइम हेयर। वाह, देखिए अभी तक पहाड़ यहाँ पे दिख रहा था, अब धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा है, यहाँ पे जो है फॉग आती जा रही है। बीच के उधर जो है स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे। इधर भी स्वर्ग है, इधर वाला छोटा स्वर्ग, बट उधर वाला बड़ा स्वर्ग है। परियां मिले या हीरे जवाहरात। सो ये है जंगल गली का मेन पॉइंट, जहाँ पे सभी आते हैं, सभी टूरिस्ट वगैरह आते हैं। सामने आपको शॉप मिल जाएगी करियाने की, इसी शॉप में जो अंदर थोड़ा बहुत बाकी सामान भी मिल जाता है, क्योंकि इस एरिया में जो है एक अकेली शॉप है गाँव के पास। सो चलिए चलते हैं ऊपर ट्रैकिंग की तरफ और आपको रास्ता बताते हैं ट्रैकिंग का कि कहाँ से आप जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है, यही यहाँ का फेमस ट्रैकिंग पॉइंट है। सो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें ऊपर। और वेदर की बात करूँ तो काफ़ी प्लेजेंट यहाँ पे वेदर हो रखा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम एक तरीके से क्लाउड्स के अंदर तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो माउंटेन है काफ़ी हाइट पे है। सो बिल्कुल क्लाउड्स हम फील कर सकते हैं। ऊपर जो हवा का जो फ्लो कहूँगा वो भी काफ़ी तेज़ है। सो चलिए और ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू है कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो ये आपके लिए जो प्लेस है बहुत ही बढ़िया रहेगी। काफ़ी अच्छे आप यहाँ से आप फ़ोटोज़ जो है क्लिक कर सकते हैं अपने। जो सबसे अच्छी बात लगी इस प्लेस की मुझे कि यहाँ पे जो साफ़ सफाई है बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे अवेयर हैं हमारे जम्मू के, जो भी यहाँ पे आता है वेस्ट वगैरह यहाँ पे जो है नहीं छोड़ के जाता। एक दो जगह मैंने देखा था जो रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, अगर टूरिस्ट चाहें इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये कुछ सामने का व्यू है और आगे चलते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जब भी ट्रैकिंग करें तो बिल्कुल केयरफुली आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये काफ़ी हाइट पे है ये माउंटेन, और अगर आपका पाँव स्लिप होता है तो सीधा आप काफ़ी मतलब कोई चांस ही नहीं है आपका बचने का। नीचे ये देखिए पत्थर में नीचे फेंक के दिखाता हूँ आपको कितनी हाइट है, ये कितना डीप है। बाकी ये मैंने ये नीचे देख लिया, कोई भी नीचे प्रेजेंट नहीं है। सो ये देखिए देख सकते हैं कितनी हाइट पे है ये पहाड़। चलिए आगे चलते हैं, आगे और एक्सप्लोर करते हैं। ये कुछ पाथ यहाँ का जो है बनाया हुआ है ट्रैकिंग के लिए। प्लेन ही है मैक्सिमम यहाँ का जो ट्रैक है, थोड़ा बहुत ही यहाँ पे उबड़ खाबड़ होगी जो आप मैनेज कर सकते हैं। वैसे अगर आप ट्रैकिंग पे आ रहे हैं तो इतना तो आपने एक्सपेक्ट किया ही होगा कि मेहनत तो लगेगी बॉस। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और कैसा है, क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, जो फीलिंग में अभी जो फील कर पा रहा हूँ मैं अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आँखों के देखने से और कैमरे के देखने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप वहाँ पे आते हैं आप हवा को फील कर सकते, फ़ोन पे जो है आप फील नहीं कर सकते। वहाँ की जो फ्रेगरेंस है वो आपको वहीं पे प्रेजेंट होके ही पता चलेगी वहाँ की। और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आ रहा फ़ोटोग्राफ़ी जो करनी है कहाँ पे करूँ कहाँ पे ना करूँ, क्योंकि हर एक जगह है जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। पीछे का व्यू कुछ ऐसे है, देख सकते हैं आप 360 व्यू आपको मैं अभी देता हूँ। हर जगह क्लाउड्स ही क्लाउड्स हुए पड़े हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक साथी, अगर आप यहाँ पे आते हैं कैंपिंग करने के लिए। अगर आपके पास फैसिलिटी है टेंट वगैरह की, आराम से आके यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। और ये जो साथी है आपके साथ हमेशा रहेगा आपकी सेफ्टी के लिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कोई भी जानवर वगैरह को खतरा जो नहीं है, हमने लोकल से पूछा था। सो काफ़ी पीसफुल प्लेस है, यहाँ पे आप ज़रूर आएँ, देख सकते हैं। और भी काफ़ी आगे तक ये जो ट्रैक है बना हुआ है, काफ़ी ऊपर तक आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर कितनी हाइट पे है। बट हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा आगे तक तो नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश यही है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से व्यू दिखाया जाए और यहीं पे कोई जगह देख के अच्छी व्यू पॉइंट वाली। सो हम यहाँ पे अपना जो हम लंच पैक करवा के लेके आए थे, वहाँ से चिकन लेके आए थे और 2 ब्रेड्स लेके आए थे, वही यहाँ पे आके हम अभी खाएंगे और लेंगे यहाँ की हाइट्स के नज़ारे। और वहाँ मेरा फ्रेंड वरुण, देख सकते हैं आप। चलिए फटाफट से हम अपना लंच कंप्लीट करते हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम है हमारा हम यूटिलाइज़ कर सकें और टाइम से हम अपने घर की तरफ वापस रवाना हो जाएं। सो ये हमारा जो लंच है रेडी हो चुका है, हमने अपनी प्लेट्स में डाल दिया, आप देख सकते हैं। बाकी हमने जो अपने साथ एक पॉलीथीन रखा हुआ है जिसमें अपना जो सारा वेस्ट है हम उसमें डालेंगे। यहाँ पे कोई भी गंद वगैरह हम नहीं फेंकेंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रूटी का जो रैपर है पड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको भी हमेशा फॉलो करनी चाहिए, एक अपना साथ पॉलीथीन रख लीजिए और जितना भी वेस्ट आप लेके आते हैं सारा एक पॉलीथीन में डाल के आप किसी जगह डस्टबिन हो वहाँ पे आप रख दीजिए, क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं बहुत ही साफ़ रखना ज़रूरी है इन प्लेसेस को, क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे तो यहाँ पे कोई और तो आने नहीं वाला साफ़ सफाई के लिए। सो ये सबकी ड्यूटी बनती है, जितने भी राइडर्स वगैरह आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें यहाँ पे। और ये रहा हमारा साथी। आई फील सो लकी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सो पैकिंग वगैरह हम दोबारा करने लगे हैं। डिनर वगैरह हमारा फिनिश हो चुका है और जितने भी वेस्ट हमने पॉलीथीन में डाल लिए, हम अपने साथ ही इस सारे वेस्ट को लेके जाएंगे और जहाँ पे भी हमें डस्टबिन वगैरह मिलेगा हम वहाँ पे इसको डाल देंगे। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द लवली प्लेस ऑन अर्थ। अभी तक तो मैं पटनी टॉप में ही जाता था जितनी भी बार गया हूँ, अगर मेरे को माउंटेन्स वगैरह में जाना हो, बट ये जगह एक्सप्लोर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप गाइज़ आपके पास टाइम कम है और आप किसी अच्छी माउंटेन में जाके अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वेदर का मज़ा लेना चाहते हैं, तो गाइज़ इससे बेटर जो है कोई जगह आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पे जो है कोई होटल्स वगैरह की फैसिलिटी तो नहीं है, कोई अम्यूज़मेंट पार्क्स या कोई चिल्ड्रन पार्क्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप नेचुरली यहाँ पे रहना चाहते हैं विदाउट एनी फैसिलिटी, अगर आप मतलब क्रेज़ है आपको ऐसे ही लाइफ एक बार जीने का, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो पहले से ही डिसाइड कर लिया हमने, यहाँ पे हम एक दिन की कैंपिंग जो है हम डेफिनेटली करने वाले हैं। सो उसके लिए हम टेंट वगैरह अपने साथ ही ले आएंगे और फूड जितना भी होगा हम अपने साथ कैरी कर लेंगे। देखिए गाइस हमें यहाँ पे क्या मिला है। ये लाइटर यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ था, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रैवलर्स आए होंगे, यहाँ पे उन्होंने बोनफायर के लिए लाया होगा ये लाइटर। सो फिलहाल है तो टूटा हुआ लेकिन इसके अंदर गैस है, फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको चलाने की। सो यहाँ पे लगाते हैं, अभी बोनफायर करते हैं, थोड़ा अपने हाथों को गर्म करते हैं जो कि काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। मज़ा भी काफ़ी आ रहा है यहाँ पे। हमें पहले सूखी घास वगैरह हम इकट्ठी कर लें और वुडन स्टिक सारी लगा के हम यहाँ पे बोनफायर करते हैं एक अच्छी। वैसे तो हम जब वापसी यहाँ से जाएंगे तो ये पूरा आग को बंद करके ही जाएंगे ताकि जो है आग हमारे जाने के बाद फैले ना यहाँ पे। जब भी आप ऐसी जगहों पर आते हैं बिल्कुल आपको बहुत ही केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा, थोड़ा एक कदम 2 कदम आगे का सोच के चलना पड़ेगा। सो चलिए अब चलते हैं वापस। सो घर की तरफ हमने जो स्कूटी है मोड़ ली है। और स्कूटी की बात करूँ तो कोई भी पावर लैग इसमें नहीं है। हम दो राइडर यहाँ इस पर राइड कर रहे थे, काफ़ी अच्छी पावर है एक्टिवा 125 में। जो इसका रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द हम हाईवे की तरफ पहुँचें, क्योंकि यहाँ पे जो अगर अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट अवेलेबल नहीं है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे देख सकें और ड्राइव कर सकें। और स्कूटी की लाइट की बात करूँ तो इसकी जो लाइट है वो भी कुछ ख़ास नहीं है। इन फ्यूचर देखना पड़ेगा, कुछ LED लाइट्स इसमें और ऐड करनी पड़ेंगी सो डैट हम नाइट ड्राइविंग भी इसमें कर सकें। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे प्लान्स हैं आगे के राइड के। सो गाइज़, अगर आपके मन में कुछ है, कहीं की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम डेफ़िनेटली उस जगह पे विज़िट करेंगे और वहाँ की जो व्यूज़ हैं आपको डेफ़िनेटली वीडियो के थ्रू हम आपके तक पहुँचाएँगे। अगर स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे भी हम चला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मुझे नहीं लगता कि जो एक कैमरा है ये इतना जस्टिस कर सकता है। आज तक मैं भी YouTube में इतनी वीडियोस देखता था, मैं भी काफ़ी टाइम सुनता था ब्लॉगर्स से कि वो बोलते थे कि कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट मुझे लगता था कि जस्ट वो ऐसे ही बोलते हैं। बट आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ, जब अपनी आँखों से देख रहा हूँ, मुझे सीरियसली लग रहा है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करेंगे, विज़िट करने में और फ़ोन में देखने में जो है बड़ा फ़र्क होता है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के डेफिनेटली आप यहाँ पे विज़िट करें, ताकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की पॉपुलेशन को आपकी ज़रूरत है, यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनको आपकी ज़रूरत है। यहाँ से आपके आके शॉपकीपर से आप ज़रूर कुछ ना कुछ लें, क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और इतने ज़्यादा अभी तक जो टूरिस्ट हैं नहीं आ पा रहे हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम को तो पता ही नहीं होगा इस साइड का, और मैक्सिमम इतनी हाइट देख के सोचते होंगे कि क्या फ़ायदा इतनी दूर जाने का। गिने चुने यहाँ पे राइडर्स आते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ पर कोई मतलब एक कोई पिकनिक स्पॉट टाइप कुछ बनाना चाहिए, जैसे कि पटनी टॉप में है, सो डैट लोग यहाँ पे आके भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकें। और हो सके तो मीडिया में भी इस बात को जो है उठाना चाहिए, क्योंकि जब भी घर में कोई पिकनिक की प्लानिंग होती है, बच्चे एक ही जगह बोलते हैं पटनी टॉप चलो। गर्मी होती है, गर्मियों में कहाँ जाना है जी, पटनी टॉप चलो, सनासर चलो। उनको भी पता चले कि उन दोनों प्लेसेस के अलावा भी यहाँ पे जो है और भी काफ़ी सारी जगहें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। और सच बताऊँ तो मुझे पटनी टॉप से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये जगह लगी है। बेशक यहाँ पे कोई पार्क वगैरह से अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह कुछ नहीं बना हुआ यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि खूबसूरती जो होती है वो देखने वाले की आंखों में होती है, राइट? वैसे ही आप भी यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं इस जगह के बारे में, ताकि इस जगह का भी नाम हो। अभी तक तो सिर्फ नाम मतलब यही है कि जंगल गली एक जगह है, ऐसे है, बट इतना स्पॉट मतलब इतना ज़्यादा लोग अभी अवेयर नहीं है यहाँ के बारे में। लोग आते बहुत कम है यहाँ पे। जो जर्नी होती है, जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुँचना नहीं होती। जो जर्नी होती है, ये जो हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो इसका मज़ा है वो डेस्टिनेशन का मज़ा नहीं होता। गाइस, फाइनली हमारा जो ट्रिप थी आज की जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और का जो होम है कुछ ही किलोमीटर्स के बाद जो है आ जाएगा। सो क्या कहना चाहोगे वरुण, कैसी रही आज की ट्रिप? आप क्या कहना चाहोगे? मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आया, मज़ा आ गया। सो फर्स्ट ट्रिप थी हमारी अभी जो हम स्कूटी पे कर रहे थे, 2-व्हीलर पे। सो देखा जाए एक तरीके से तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी रही। काफ़ी सारे लोगों से हमने इंटरेक्शन की वहाँ पे। ये था कि वहाँ कुछ लोग जो है वीडियो पे आना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने फिर ज़्यादा इनको फोर्स भी नहीं किया कुछ, है ना जी। अब कोई अगर कंफर्टेबल नहीं हो वीडियो पे, ऐसे तो बात तो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे, बट उनको ये था कि यार उनका मतलब कैमरा कॉन्शियस थे वो, सो डैट्स वाई हमने थोड़ा उनको बोला भी नहीं, फिर हमने कहा ओके ठीक है। बाकी नेचर से तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी नेचर से काफ़ी अच्छे लोग थे, मतलब ओवरऑल मज़ा आ गया। बड़े काफ़ी सारे नए नए एक्सपीरियंस हमें मिले आज, है ना, नए नए एक्सपीरियंस मिले हैं। आपका हो तो वहाँ पर स्टे भी कर सकते हो अपने। बिल्कुल बिल्कुल, हम वहाँ पे बैठ के अभी वही बात कर रहे थे लास्ट में जब हमने आना था। एक्चुअली हमारी फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी डेड हो गई थी, सो ये बातचीत यही चल रही थी कि यहाँ पे कैसा है सब रहना बहना। तो वो भी सेम चीज़ यही कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ खाने पीने की जो है, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे आके कैंपिंग वगैरह आप कर सकते हो, अपना टेंट वगैरह लेके। सो ऊपर एक पहाड़ के पीछे काफ़ी साफ़ ही है जगह, कुछ वहाँ पर गंदगी नहीं है। वहाँ पर आराम से आप लगा के बोन फायर करके अपना जो है एंजॉयमेंट अपनी कर सकते हो फैमिली के साथ। तो और कुछ ऐड करना चाहोगे? तो एक चीज़ मैं वरुण आपसे पूछना चाहूँगा। सर पूछिए। ये क्या लिखा पीछे? भाई लोग बताओ क्या लिखा पीछे। दिल्ली 594 किलोमीटर, क्या बोलते हो, चले कंटिन्यू करें? भाई चलते हैं है? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। भाई तो तैयार है ट्रिप पे ट्रिप मारने के लिए। चलो भाई लोगों का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी सपोर्ट चाहिए हमें, जितनी सपोर्ट कर सकते हो करो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो आगे लाते रहेंगे और देखते हैं। चलते हैं घर पे अब। काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आया हमें आज की ट्रिप करके। सो वेदर काफ़ी प्लेजेंट था वहाँ का। सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, राइड सेफ, stay healthy, stay safe.